श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर के लिए मकर संक्रांति से चलाया जा रहा विश्व का सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान अब संपन्न होने जा रहा है। 15 से 30 जनवरी अभियान के प्रथम चरण में समाज के ऐसे बंधुओं से मुलाकात की गई जो बड़ी राशि का समर्पण कर सकते थे और दूसरे चरण में 31 जनवरी से 21 फरवरी तक प्रत्येक राम भक्त से संपर्क का लक्ष्य रखा गया था। पिछले 1.5 दशक से मंदिर निर्माण हेतु धन इकट्ठा कर रहे मऊ जनपद के चिकित्सक दंपति ने इसी क्रम में 34,000 की धनराशि मंदिर निर्माण हेतु समर्पित की है। डॉक्टर जनार्दन मणि त्रिपाठी, 34,000 रुपए जी, जो कि बहुत दिनों से हम लोग पूजा के माध्यम से मंदिर निर्माण के लिए इकट्ठा करते रहे हैं। हमको लगता है कि कम से कम 15-16 सालों से हम लोग इस धनराशि को थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करते रहे, जो अब जाके वो लगभग 34,000 के करीब हो गई थी, तो उसको हम लोग मंदिर निर्माण में सहयोग राशि के रूप में देने के लिए बहुत उत्सुक थे और आज वो दिन आया कि हम लोग इसको दे रहे हैं बड़ी प्रसन्नता के साथ। सारे हिंदू समाज के लोग डेली अपने पूजा पाठ के माध्यम से, अपने समर्पण के माध्यम से कुछ न कुछ ऐसी धनराशि जो उनकी हैसियत हो, जो उनकी भावना हो, प्रतिदिन इकट्ठा करें। समाज में बहुत सारे कार्य हैं, उन सब में वो धनराशि काम आ सकती है। तो एक प्रेरणा इस माध्यम से मैं देना चाह रहा हूँ कि प्रतिदिन इस काम के लिए कुछ न कुछ सहयोग राशि लोग निकालें और कहीं भी समाज में जहाँ भी आवश्यकता लगती है उसके माध्यम से उसका सहयोग करना लोग सुनिश्चित करें, तो ये बड़ा अच्छा योगदान होगा समाज के लिए। इस समय हम डायरेक्टर के पद पर हैं, लखनऊ में डायरेक्टर नर्सिंग का काम देख रहे हैं पूरे स्टेट का। मेरा नाम सविता त्रिपाठी है। ये 34,000 राशि है और ये भगवान श्री राम जी के मंदिर के लिए हम इसको समर्पित किए। ये बहुत हम अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा मतलब बहुत ही, इसको मैं बता नहीं सकती कि ईश्वर के लिए मेरे मन में जो आस्था है, जो मुझे लग रहा है वो कि मैं पूरा उसको कर पा रही हूँ। सबसे पहले जय श्री राम। यहाँ हमको पता चला कि भाभी जी रोज़ मंदिर में 10 रुपया 20 रुपया भगवान के नाम पे समर्पित करती थी, आरती के रूप में, पूजा के रूप में, तो इकट्ठा हो गया था। ये सोची भी नहीं थी कि ये पुण्य का काम हमें राम मंदिर में देना होगा। जब आज इन्होंने ये सब पैसा निकाला और ध्यान आया कि हम इसको मंदिर में क्यों ना दान देते, तो बड़ी खुशी की बात हुई। हम लोग को पता चला तो हम लोग आए और देख के काफ़ी अच्छा लगा कि 15-16 सालों से ये पैसा कलेक्ट कर रही थी, लेकिन इन्होंने सोचा नहीं होगा क्योंकि कोई नहीं जानता था कि राम मंदिर बनते हुए हम लोग देखेंगे। और ये हम लोग अपने जीवन काल में देख रहे हैं राम मंदिर बनते हुए, तो हम लोग का सौभाग्य है और ये भाभी जी का सौभाग्य, इनसे हम लोग प्रेरणा ले रहे हैं। और आपके माध्यम से हम सबसे अपील करते हैं कि हर रोज़ पूजा हम लोग करते हैं, हर हिंदू समाज में हम लोग सुबह शुरुआत होती है पूजा से, तो 10 रुपया 5 रुपया ही हम भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान का दिया भगवान को ही देते हैं, तो वो पैसा हम किसी न किसी अच्छे काम में लगाएं और ये राम मंदिर में जा रहा है, ये हमारा परम सौभाग्य है। जय श्री राम। महज संयोग है और ऐसा लगता है कि साक्षात रूप में भगवान राम ने हमें यहाँ भेजा है। हमारे एक मित्र हैं, उनसे डॉक्टर साहब से चर्चा हो रही थी, उनके रिश्तेदार भी हैं, जयप्रकाश मिश्रा जी हैं, जेपी हीरो के मालिक हैं, और उन्होंने मेरे पतिदेव को फ़ोन किया। डॉक्टर साहब ये कहते कि ये राशि हम कहाँ दें, तो उन्होंने कहा अद्भुत संयोग है, मैं भी भैया को बुलाता हूँ और आप उसमें दीजिए। और हम लोग जब यहाँ पहुँचे और जब मैंने इस तरह से देखा तो मुझे मेरे उस विश्वास को और बल मिला कि अगर हम पूर्ण विश्वास रखें तो असंभव काम भी संभव हो जाता है। राम मंदिर का निर्माण हम सबके सामने हो रहा है और कहीं ना कहीं ये आस्था का की विजय है, ये आप लोगों की सोच है, ये हमारा विश्वास है कि हमारे रामलला एक भव्य मंदिर में विराजेंगे और जन जन के सहयोग से ये मंदिर बन रहा है। और इस चीज़ को देखते हुए मैं सभी लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, ज़रूरत पड़ने पे हम अपने लिए लाखों खर्च कर देते हैं, हम जो चाहें वो खरीदते हैं और उसको फिर फेंक भी देते हैं, ऐसा भी होता है, वार्डरोब भी हम लोग की सजी रहती है, लेकिन अगर हम पूजा करते समय या रोज़ अपने ईश्वर के निमित्त या किसी भी कार्य के निमित्त छोटा छोटा भी कलेक्शन करें तो कल को एक वो राशि बहुत बड़ी हो जाती है और
हम एक नॉर्मल जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसके लिए पैसे निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम इस तरह से फॉलो करें तो शायद हम भी बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। और मैं खुद आज यहाँ से ये प्रेरणा लेके जा रही हूँ कि मुझे भी अपने पूजा पद्धति में जो सारे कार्यक्रम मैं करती हूँ उसमें एक चीज़ को और जोड़ना है कि कुछ पैसे आप निकाल के रखिए, न जाने फिर कौन सा सौभाग्य आ जाए और हम लोग उसमें साहस पूर्वक दान कर सकें, जो हमारे वित्तीय जो हमारा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है उस पर भी वो असर न डाले। और इसके लिए मैं आप दोनों लोगों को प्रणाम करती हूँ। और मुझे लगता है कि अभी तक हम लोगों ने हर जिले में सुना था कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मेरी जान